नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम था और हम लोग उधर ही है क्योंकि पानी की दिक्कत हो रखी है। उधर मोटर लगी नहीं थी तो अभी वहीं पे चल रहा है अपना। पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा। और बस मैं अपना शाम का बाल वगैरह बना रही थी, मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। शक्ल पे तो खैर 12 बज ही रहे हैं मेरी, पर कोई बात नहीं है कि वही शक्ल है, ठीक हो जाएगी आज, नहीं तो कल, ये तो चलता ही रहता है। यहाँ पे मैंने अपने बना लिए हैं बाल और आप लोगों की राय को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने लिए कुछ मंगवाया था, तो मैं सोच रही थी कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसको और बताती हूँ आपको कि वो कैसे। तो जी बालों में कंघी मैंने कर ली है और बाकी तो कुछ नहीं। और जब से मैं घर से आई हूँ, आप लोग घर से क्या आई हूँ, जब मैं घर भी थी तब भी आप लोग बोल रहे थे कि दीदी जब आप यहाँ पर आ गए हो आपकी स्किन कैसी होगी, आप कैसे हो गए कैसे नहीं। तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ किया जाए और इसके लिए मैंने लिया है ग्लास स्किन चैलेंज। और जिसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ मामा अर्थ का राइस वाटर ड्यू आई एक्टिव सीरम, जिसमें आपको मिल जाता है 98% प्योर राइस वाटर और साथ में मिल जाता है B3। इसलिए आपकी ग्लास स्किन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है और मैं इसको यूज कर रही हूँ अभी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें आपको मिलता है इस तरीके की पैकेजिंग में आपको ये मिलता है और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊँ तो बिल्कुल लिक्विड जैसी है और ये स्किन में एकदम से। तो जी इसमें आपको मिल जाता है राइस वाटर जो कि स्किन को हाइड्रेट रखता है, साथ ही साथ नियासिनेमाइड मिलता है जो कि इवन स्किन टोन को प्रमोट करता है। ये लाइट वेट है और क्विक अब्जॉर्बिंग फॉर्मूले के साथ आता है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे और जल्दी ही मैं इसका फाइनल रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ममा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी अवेलेबल है और साथ ही साथ जो आपके नज़दीकी जनरल स्टोर है वहाँ पर भी आपको इनके प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाएंगे। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया है और एकदम से ये स्किन में चला गया है बिना किसी खास मेहनत के। और इसके बाद अपना जो आपका डेली रूटीन मेकअप है वो भी आप कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड नीरज2024 जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप वो अप्लाई करते हैं ममाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर तो आपको मिलेगा 20% का ऑफ। तो जी मैंने अप्लाई कर लिया और देखिए कितनी आसानी से ये स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है बिल्कुल। और आप देख भी रहे होंगे एक हल्की सी शाइनिंग चेहरे पे आ रही है। तो अभी मुझे इसे यूज करते हुए कुछ ही टाइम हुआ है, मतलब जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया है और इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी मामा अर्थ राइस वाटर ड्यू आई सन स्क्रीन के बारे में भी। भले ही अभी मानसून है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन को सनस्क्रीन की जरूरत या फिर धूप होने पर ही आपकी स्किन को सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है। सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए एक बिल्कुल प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, फिर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, उसके लिए सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने बताया ये है हमारे पास ममा अर्थ का राइस वाटर ड्यू आई सनस्क्रीन जो कि हर स्किन के लिए मतलब बिल्कुल ओके है। आप किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं, कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब नॉर्मली आप इसको अपने डेली पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ममा अर्थ है वो अपने कस्टमर्स की सुनते भी हैं और उन पर गौर भी फरमाते हैं। तो आप इनके प्रोडक्ट्स यूज कीजिए और साथ ही साथ अपना फीडबैक देना मत भूलिए। अभी रिसेंटली ही ममा अर्थ ने अपने एक प्रोडक्ट जो है ऑनियन शैम्पू, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं अकॉर्डिंग हमारे फीडबैक के, यानी कि जो उनके कस्टमर्स हैं उनके। तो आप भी अपना फीडबैक दीजिए, ममा अर्थ उन फीडबैक को लेंगे, उन पे जो है रिसर्च करेंगे और उसके बाद अपने जो उनके प्रोडक्ट है उनमें वो रिनोवेट करते हैं। तो चलिए जी बस मेरा तो हो गया है, अब मुझे करनी है बच्चों की ड्रेस धोनी है क्योंकि सुबह को बच्चों को स्कूल जाना है और ड्रेस जो है उनकी मैली पड़ी है। तो मैं चलिए फटाफट से अपने काम पे लगती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं धोने लगी हूँ बच्चों की यूनिफॉर्म। पहले मैंने इसको सर्फ में भिगो के रख दिया था, इनको और दो चार कपड़े और थे क्योंकि मैं और पीयू के डैडी बाद में नहाए थे, मतलब काम निपटा के पीयू के डैडी दुकान पे चले गए थे और मैं फिर अपना घर का काम निपटा के फिर बाद में नहाई थी, तो वो भी कपड़े हो रहे थे, गिल्ले हो जाते हैं। तो मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म के साथ साथ फिर वो भी कपड़े धो दिए थे। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, फिर ये भी हुआ कि मशीन लगा लूँ, फिर कपड़े दो चार थे, मैंने कहा इनके लिए क्या मशीन लगाऊँ, इनको तो मैं हाथ से ही मतलब वॉश करके डाल दूंगी। अब तो ये है कि जितनी सुविधाएं मिलती जा रही है उतना ही शरीर खराब होता जा रहा है, नहीं पहले सारे काम हाथों से ही होते थे और बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते थे। अब वही है कि भाई जैसा होता जा रहा है वैसे ही लोग भी करते जा रहे हैं। तो खैर देखिए यहाँ पे कपड़े धुल गए हैं, अब उनको मैं निचोड़ दूंगी फटाफट से और उसके बाद ड्राई करके मैं इनको फैला के आऊंगी छत पे।
तो जी यहाँ पे कपड़े धो के मैंने मशीन में ही ड्राई कर दिए हैं। वैसे तो शाम का ही टाइम सा हो गया था, मौसम भी थोड़ा सा बादलों सो का हो रहा था, मैंने कहा चलो हवा सी निकल ली जाएगी, फिर बाद में मैं इनको नीचे डाल दूंगी पंखे के नीचे, या मुझे लग भी रहा था मैंने कहा शायद इतना तो सूख ही जाएंगे तो इनको प्रेस करके रख दूंगी। पर बस वही है कि मौसम कभी बादलों सो का हो जाता है, कभी धूप से निकल जाती है, तो शाम का टाइम था इतनी प्रॉपर, फिर ये सूखे भी नहीं, तो फिर भी मैंने कहा चलो डाल देती हूँ इनको। तो यहाँ पे मैंने कपड़े फैला दिए हैं। उसके बाद आशुअर को जाना था मार्केट, तो वो फिर मार्केट गए थे अपना राशन वगैरह लेने के लिए, सब्जी वगैरह। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े फैला के फिर नीचे बच्चों के पास आ गई थी। तो जी कपड़े वगैरह मैंने धो दिए हैं और मैं आ गई हूँ ऑफिस में। यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई अपनी, सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, तीनों चलो हाँ चार पाँच पाँच में भाई, मैं गलती मैं एक कम कर दिया मैंने। और आशु और जिजा जी गए हैं राशन वगैरह लेने के लिए, घर का राशन लेने गए और सब्जी वगैरह लेने गए। साथ ही ईशु की शायद कुछ किताब वगैरह रह रही बेटे, उसकी एक बुक रह गई थी तो उसे लेने गए। तो अभी टाइम है खाना बनाने में, तो मैं सोच रही थी मैंने कहा जो है मैं थोड़ी सी बच्चों के पास बैठ जाऊँ, कृष्णा का होमवर्क वगैरह करवाऊँगी और पीयूर का पेपर है कल का, थोड़ा सा इनका देख लूँ क्या क्या करना। तो थोड़ा सा टाइम तो बच्चों को भी देना पड़ता ही है अभी, हालांकि मेरी सेटिंग सी बन नहीं रही किसी भी चीज़ की काम की, क्योंकि वही है कि बस मैं इधर से उधर उधर से इधर यही हो रहा कि कब जाएँ कब रुके कब जाएँ कब रुके। खैर कोई बात नहीं जी, मुश्किलों का टाइम चल रहा मेरे लिए, तो खासकर मुश्किलें चल ही रही है, कोई बात नहीं, भगवान जी जब सिद्धे होंगे तो अच्छे अच्छे काम करेंगे फिर सारे। खैर कोई बात नहीं, अभी तो मैं पहले थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा देती हूँ और थोड़ी सी अपनी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर वो आ जाएंगे राशन वगैरह ले गया कुछ भी करके, फिर देखते हैं कि क्या बनाया जाएगा क्या खाया जाएगा। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने पहले थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाया, और बच्चों को पढ़ाना क्या, बाकी तो सारी पढ़ लेती हैं, चारों बहनें तो कर लेती हैं। जो कृष्णा है ना, इसको बिठाना बहुत मुश्किल है, इसको बिठा के पढ़ाना ऐसा मुश्किल काम है ना, बस ये इतने बहाने बनाता है ना, मम्मा ये मम्मा वो मम्मा ये, तो इसको ना बिल्कुल पकड़ के बैठना पड़ता है, कभी लेट के लिखेगा कभी खड़ा होकर लिखेगा कभी कुछ। पर बस ये है इसकी एक अच्छी बात कि मतलब ये जल्दी से भूलता नहीं कुछ भी, अगर इसको कुछ कराते हैं ना याद तो ये एकदम से याद कर लेता और फिर उसको भूलता नहीं है, बस ये इसका एक प्लस पॉइंट है, बाकी तो खैर इसकी शैतानियां सारा दिन चलती ही रहती हैं। तो खैर बच्चों को बिठा के मैं फिर थोड़ी सी देर फिर मैं आ गई थी इधर किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आशु और पहले सब्जी देते चले गए थे, मंडी भी थी इस दिन, तो फिर मैंने कहा लाओ मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, राशन वगैरह लेते हैं, भीड़ लगी रहती है तो टाइम लग जाता है। और पीहू के डैडी जो हैं वो चले गए थे चंडीगढ़ वहाँ पे पीजीआई में, क्योंकि उनके एक जो दोस्त हैं वो बहुत सीरियस थे, और अब जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ तब वो पूरे भी हो चुके हैं। और ये वीडियो वीरवार का है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो थोड़े से लेट चल गए हैं। तो वो उनका छोटा ही बेटा है, कृष्णा से थोड़ा बड़ा होगा शायद, थोड़ा क्या एक दो साल शायद बड़ा था कृष्णा का, और हमारी शादी के बाद ही उन भैया की शादी हुई। पीयू के डैडी के साथ के ही वो थे कि मतलब आना जाना था यहाँ पे, जब पिंजोर आए थे पीयू के डैडी तो उन लोगों के साथ ही रहते थे, उठते बैठते खाते थे, और देखिए हो ही जाता है। फिर वही होता है आगे कि जब शादी हो जाती है फैमिली हो जाती है तो फिर अपनी प्रायोरिटी जो है वो चेंज हो जाती है। अभी ये था कि बस थोड़ा बहुत मिलना मिलाना हो जाता था, लेकिन ये है कि सुख दुख में वो हमेशा खड़े रहते थे। अब जब पीयू के डैडी को पता लगा तो फिर ये साथ के साथ चले गए थे पीजीआई, और रात को ये आए थे लेट 12 बजे। तो डॉक्टर ने वैसे तो उन्हें जवाब दे दिया था कि भाई घर ले जाओ, पर वही है कि फिर फैमिली वाले भी सोचते हैं कि नहीं कुछ हो जाए कुछ कर ले। फिर डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि बस आप इनको 48 घंटे के लिए, मतलब या 24 या पता नहीं 48 घंटे के लिए वो रखेंगे, देखेंगे कि अगर इन 24 या 48 घंटों में हो गया तो फिर तो ये है कि भाई आगे चांसेस हैं, और अगर नहीं हो पाया तो फिर मतलब फिर नहीं है। और आज जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कब मिलेगा, लेकिन आज शनिवार है और इस दिन वो पूरे हो गए थे। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं जब घर भी थी, घर भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि मतलब ऐसे ही खबर मिली कि कोई पूरा हो गया, जो मिस्त्री जी थे तो 2-3 मिस्त्री जी के परिवार के साथ ऐसा ही हुआ, और मैं यहाँ पे आई उसके बाद यहाँ पे भी ऐसा। तो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या हो रहा, भगवान सब कुछ ठीक ठाक रखे, सबके बच्चे सही रहे, सबका परिवार सलामत रहे, इससे तो ज़्यादा देखिए हम परे ही कर सकते हैं और बस कोशिश कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। लेकिन दुख होता है सोच के कि पीछे एक भरा पूरा परिवार है, और मतलब वो पीछे
किसके भरोसे रहेगा? देखिए होते सब हैं परिवार में, लेकिन एक पत्नी के लिए उसका पति और एक बच्चे के लिए उसके पिता की जो वैल्यू है, जो जगह है, वो कभी कोई नहीं ले सकता। और वो पीछे अपने एक बेटा है, उनका वाइफ है, मम्मी भी है उनकी, तो भाई है, भाई की भी शादी हो रही, लेकिन देखिए सारे रिलेशन अपनी अपनी जगह ही अच्छे लगते हैं। बस यही है कि चारों तरफ से ऐसा दुख से का हो रहा है कि जहां से भी देखो कुछ ना कुछ ऐसी ही खबर सुनने को मिल रही है, और मेरा ना दिमाग बहुत खटकता है इन चीजों पे। बस मन में यही रहता है, मैंने कहा हे भोलेनाथ, हे कृष्ण कन्हैया, सब कुछ ठीक ठाक रख, सबके घर में सुख शांति बनाए रख। तो इसीलिए बस वो तो चले गए थे, तो यहाँ पे वो है भी नहीं थे। फिर आशु और भी आ गए थे राशन लेके, मैंने सुबह के लिए भिंडी वगैरह भी काट दिए थे, मैंने कहा सुबह को बच्चे स्कूल लेके जाएंगे। सारा वीडियो मैंने मतलब जो है वो बात उस बताने में निकल गया, तो मैं आपको नहीं बता पाई। पर कई बार ना मन दुखता है बहुत ज्यादा इन चीजों को लेके, क्योंकि अपने लिए भी डर बैठ जाता है। फिर इंसान जब सुनता है ना जिस तरीके से, तो अपने आप को उससे रिलेट करने लगता है, और खुद के लिए भी वो डरता है फिर। तो देखिए जी, बस यहाँ पे खाना खा लिया था सबने, मैं तो खाती नहीं रात को, तो फिर आशु भी खाने लगी थी, मैंने कहा चल बर्तन कर दूँ। आशु कहने लगी कि मैं कर दूंगी खाना खा के, मैंने कहा नहीं कोई नहीं तू खा ले। ये है कि भाई है कोई एक दूसरा तो हेल्प हो जाती है, नहीं तो फिर अपना अपना काम सबको खुद ही करना होता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन करने लगी थी साफ, और बर्तन साफ करने के बाद मैं करूँगी किचन क्लीन। किचन क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं भरने लगी हूँ इसमें पानी। ये डायरेक्ट पानी चलाया हुआ था जो फ्रेश था, उसको भर देते हैं इसमें। ये आरओ भी खराब हो रखा है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत जीवन में चलती ही रहती है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे अपना किचन का काम समेट के सारा कुछ करके अब मैं फ्री हुई थी, और इसके बाद सब लोग गए थे छत पे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ छत पे, थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा अपना भी ऊपर। तो जी किचन का काम निपट गया मेरा सारा, और अब जाएंगे हम लोग ऊपर छत पे थोड़ी देर घूमने के लिए, क्योंकि गर्मी सी हो जाती है इस टाइम। नीचे मेरे चप्पल नहीं मिल रहे भाई मुझे, मेरे मैं तो गई भी नहीं ऊपर। अच्छा तो रेडी ही रह गए खाना खाए बिना, क्योंकि आओ बेटे ऊपर आओ, चलो ये पंखा बंद करो यहाँ से। और वो गए हुए हैं चंडीगढ़ पीजीआई में, क्योंकि उनके एक दोस्त की जो है वो तबीयत खराब हो रही ज्यादा, तो उसे देखने गए अभी गए, बल्कि शाम ही 7-7:30 बजे के करीब गए होंगे, उन्हें तभी पता लगा था, फिर वो साथ के साथ ही चले गए। नहीं तो आज हम लोगों को उधर जाना था, तो फिर अब वो थे नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से फिर कैसे जाते हैं, मेरी चप्पल ही नहीं पा रहे। खैर कोई बात नहीं जी, देखिए सुख दुख है जीवन में, तो जाना भी पड़ा है किसी को देखने के लिए और आना भी पड़ता है। तो खैर अब हम लोग जा रहे हैं छत पे, जब वो आ जाएंगे देखती हूँ मैं किस टाइम तक आएंगे, अभी तो कुछ नहीं पता। उनका फोन भी कर रही थी मैं, फोन उठा भी नहीं रहे थे, मैंने कहा चलो हो जाता है ना कई बार की ऐसी जगह, ऐसे वैसे तुम्हें फोन अपना साइलेंट कर देता है जब पी के रेडी ऐसी कहीं जगह जाते हैं ना, तो इसी वजह से। और यह सूखी ड्रेस बच्चों की, हाँ पलट से दो ही ना, आवाज ही लग जाएगी। मैं सोच रही थी मैं कहीं भी प्रेस करके रख दूंगी, अच्छा तन्ना खराब कर दे होंगे फिर इसके ब्रेक, हमें ना पता। ठटारा होगी इसकी साइकिल, कोई बात नहीं, तेरे जब तू 10th ईयर का हो जाएगा ना फिर तुझे नई साइकिल लेकर देंगे, ठीक है। चलिए जी बस फिर अभी घूमते हैं थोड़ी देर छत पे। तो जी टाइम बच गए हैं 11:30 बजे, इसमें दिखेगा भी। और प्यू का डैडी अब तक नहीं आए, काफ़ी देर पहले मैंने फ़ोन किया था, तो ये कह रही कि मैं निमाचल से चल दिया आए नहीं तक, पता नहीं उसमें टेंशन सी भी होती रही। और बच्चे इंतजार करके सो गए रुई लेट रही ऊपर, और ये ईशु पीहू और कृष्णा लेट रही यहाँ पे, और मैं इनके पास ही लेट रही। और देखती हूँ आएंगे खाना वगैरह खाएंगे, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, फिर सुबह को उठना भी होता है, बच्चे स्कूल जाएंगे, और 11:30 हो गए। खैर क्या करें जी, जब कहीं जाते हैं तो टाइम भी लग ही जाता है, और बस ठीक ठाक ही रहे सब, ठीक ठाक आ जाए। तो आते हैं फिर खाना वगैरह दूंगी, और उसके बाद फिर लेटे।
जी ये आ गया है और टाइम 12 बजे तो इतना ये बता देता हूँ टाइम टाइम तो नहीं टाइम कट रहे हैं कई बार क्या हो कि वो एक कर देती है किसी और के इंतजार किसी की कर देती है किसी को मना था 11 बजे 11 बजे आएगा तब चलेगा हम वहाँ तो अपने लिए नहीं चाहिए एक कोई दवाई लेने चला जाए तो एक तो चाहिए चलेगा अपने साथ में तो इसी तरीके से कोई आ रहा कोई जा रहा कोई आ रहा कोई जा रहा वो वाला तो हम तो थोड़े देर पहले तक निकल के वो क्या नाम है उनकी चर्चा कर लेते हैं वैसे कैसे कैसे क्योंकि तो बोला हुआ कि कल तक कर लेते हैं टाइम कल नहीं देखे मैंने भी पहले तो काफी आना जाना था तो खैर बच्चे हो जाते हैं फिर फैमिली बड़ी हो जाती है उनकी भी शादी होगी सारा कुछ तो फिर इतना आना जाना नहीं रहता पर जो भी है भगवान करे वो ठीक रहे और अपना पिता भी है उनका छोटा ही है ज्यादा बड़ा भी नहीं है ये नहीं चाहिए ठीक है चलिए जी खैर प्रे ही कर सकते हैं आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि वो ठीक हो जाए जल्दी और अपने परिवार में रल मिल के रहे वही अच्छा है देखिए जी सबके लिए बाकी तो ऊपर वाले ने जो लिख दिया वही है तो चलिए जी बस अब मैं भी लेट गई क्योंकि सुबह को बच्चों को जाना है और फिर सुबह उठना है 12 बज गए और फिर नींद नहीं पूरी होती सुबह को 5 बजे आपको पूरे 12 बजे इस टाइम तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रखूंगी मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए मिलते हैं जल्दी राधे राधे बाय बाय।